तो भाई हमसे कहेंगे याद रहेगा और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर धर्म या किसी एक जाति के योद्धा नहीं भेजे जाते। हमारे काफी जवान, काफी वीर सैनिक, हमारे योद्धा शहीद हुए, उन्हीं सब को याद करते हुए, उन सब की याद में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हम अपनी ओर से जो भी हमारे मन में है, जिस भी भाव से हम यहाँ, उस समय भारत के ये जो वीर शहीद हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के नसीर साहब युगल और डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनरल राहुल यादव जो पुंछ में तालियों और तरक्की के कामों को लेकर के सर्जन सचिव वर्मा हुए, हमारे सीनियर सिटीजन मास्टर वेद प्रकाश जी और वाइस प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार सुरेंद्र सिंह जी हमारे दरमियान मौजूद और हमारे सीनियर सिटीजन सरदार अमर सिंह जोश जी के कपूर साहब यहाँ तशरीफ फरमा हुए और महत्व को ये जिला वक्त के लिए रौनक बचते हैं। बड़ी तादाद में मेरी माताएं और बहनें यहाँ पर आज तशरीफ फरमा हुई हैं। हमारे कि उन्होंने यहाँ पर एक ब्रिगेड हमले में अपने प्राणों की आहुति देकर पुंछ की सुरक्षा की के सामने सर रखे हैं और अपना भावुकता सामने झुकाते हैं। हमारे बड़ी तादाद में एक सर्विसमैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे और खास तौर पर मोहल्ला पुरानी उनसे जहांगीर हुसैन वीर साहब फॉर्मर डिप्टी लेजिस्लेटर काउंसिल भी तशरीफ फरमा हुए हैं। उन्होंने आज इस प्रोग्राम को कारगिल शहीद अमर रहे, कारगिल शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कारगिल शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कारगिल शहीद अमर रहे। आप सबको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं ब्रिगेड की तरफ से तो आया ही हूँ, वैसे मैंने वैसे भी आना था, इनवाइट मुझे भी किया गया था। हर एक शख्स मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक ऐसे इवेंट में आने की शिरकत की। ये किसी धर्म से किसी ताल्लुक नहीं रखता सेना, क्योंकि जैसे कुछ स्पीकर अभी बोल भी रहे थे कि जब एक बार इंडियन आर्मी को कोई काम मिल जाता है और डिसीजन गो का हो जाता है तो फिर पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो पीछे मुड़ेगा तो फिर वो कायर कहलाएगा और कायरता हमारा धर्म नहीं है। तो जब एक बार डिसीजन मिल गया कि आपको आगे जाना है कारगिल में और फलां फलां टारगेट के ऊपर आपने इंडियन भारत का झंडा फहराना है तो वो होना ही। मेरी बटालियन ने मशको वैली में लड़ाई लड़ी और कारगिल काफ़ी बड़ा इलाका था जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई, वो लगभग 170-180 किलोमीटर लंबा इलाका था जिसमें सारी इम्पोर्टेंट हाइट इसमें शामिल थी, ट्विन बम 4875, टाइगर हिल, तोलोलिंग, खालूबार, जुबार हाइट, यानी कि मशको वैली से लेकर बटैलिक तक का, जंसार वैली तक का सारा इलाका जो है, जो कि किसी ज़माने में खाली छोड़ दिया जाता था सर्दी के टाइम पर, उसमें सर्दी आने से थोड़ा पहले पाकिस्तान की घुसपैठी सेना ने, जिसमें कि उनकी रेगुलर सेना शामिल थी, नदन लाइट इन्फेंट्री के जवान और आज़ाद कश्मीर ब्रिगेड के पलटने थी जिनमें, उनके जवान वहाँ मौजूद थे और उन्होंने वो सारी चोटियों के ऊपर कब्जा कर रखा था। अब लड़ाई तो एनिमी ने इम्पोर्टेंट हाइट्स काबू में कर रखी थी, इसलिए उन हाइट्स पर पहुँचना थोड़ा दुर्गम था। बहुत ज़्यादा हाइट थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ही दुर्गम इलाका है। आज समाज सेवा सोसाइटी पुंछ और हरिटाय सोसाइटी जेंट के पुंछ, हम आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क पुरानी पुंछ के बीच हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। हर वर्ष की तरह ऑडिटोरियम एरिया में और आज देश के कई हिस्सों में यहाँ पर जो है विजय दिवस मनाया जा रहा है बड़े जोर शोर से। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने कारगिल, बटालिक, तोलोलिंग, 52,000-25,000 फुट उन ऊंचाइयों पर पाकिस्तान को विजय दिलाया और विजय प्राप्त की। आज ही के दिन हमारे जवानों ने वहाँ विजय प्राप्त की, खासतौर पर मैं कैप्टन विक्रम बत्रा और पूरे तमाम वहाँ अफसर साहबान जो वहाँ पर जिन्होंने जंग के बीच हिस्सा लिया, मैं उनको सलूट करता हूँ और साथ में पूरे देशवासियों से कि ये मेरी अपील है और खासतौर सेना को, सेना के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल
विपिन रावत जी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज के बाद पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की तो करगिल वाले हालात फिर बन जाएंगे देश के बीच, उसे फिर पीछे भागना पड़ेगा। हम समझते हैं कि आज देश के बीच 2600 करोड़ देशवासी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमें खुशी की बात है आज हमारे इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के बीच हमारे जहाँ कार्यकर्ता हमारे नौजवान साथी जहाँ इकट्ठे हुए हैं, बड़े जोरों खरोश से हम जो है आज वीर दिवस मना रहे हैं। हमें खुशी है कि सबके सहयोग से, सबके योगदान से, खासतौर आपके चैनल के योगदान से हम वक्तन वक्तन आप हमारे पास आते हैं, हमारे प्रोग्राम को हाईलाइट करते हैं, हम आपका भी शुक्रिया करते हैं। खासतौर पर उनसे जो वीआईपी जहाँ पर बैठे हैं, चाहे डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं, और आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। आज के दिन करगिल के बीच हमारी भारतीय सेना ने और हमारे देश ने वहाँ विजय प्राप्त की थी। हमें खुशी की बात है कि आज हम पूरे देश के बीच हर जगह पर जो है विजय दिवस बड़े जोरों खरोश से मनाया जा रहा है। खासतौर पर आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के बीच सब इकट्ठे होकर समाज सेवा सोसाइटी पुंछ और हेरिटेज सोसाइटी मिलजुल करके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और विजय दिवस मना रहे हैं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जो आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने अपने प्राण निछावर करके करगिल के उस युद्ध के बीच हमें इस देश को विजय प्राप्त कराई। मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ और ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति रहे और देश की भी सुख शांति में रहे, और हमारे जवान जहाँ फर्स्ट लाइन की भी ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पर वो चुस्त और तंदुरुस्त ड्यूटी दें, उनके परिवार के साथ हमारा हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। मैं इसे भी आपका शुक्रिया करता हूँ आपके जन का। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ।